Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. मैंने एक फिल्म में उनके साथ काम किया था, तो ऐसा हुआ कि वो जहाँ भी शूटिंग करने जाते थे भोपाल में, तो 30-40 हज़ार लोग, मतलब ऐसा लगता है क्रिकेट का मैच हो रहा है। मैं सुबह आ गया शूटिंग पे, और फिर जैसे ही भीड़ आना शुरू हुई तो उन्होंने मेरे क्या है कि भीड़ वाले कपड़े पहनाए हुए थे, तो मुझे भी उन्होंने धकेलते हुए भीड़ में भेज दिया। फिर बच्चन साहब आए, प्रकाश झा जी डायरेक्टर थे, वो आए और बोला कि आप हैं, और वो कहाँ है वो एक्टर, तो मैं भीड़ में से चिल्ला, अरे मैं एक्टर यार, मेरा रोल है इसमें। फिर मुझे बुलाया गया, आओ आओ आओ, और उन्होंने बोला हाय आई एम अमिताभ बच्चन। मैंने कहा आई एम, हाउ डज इट मैटर। और सीन ऐसा था कि वो कार में कहीं जा रहे हैं और मुझे बिठा के, और उनके साथ हेमा मालिनी जी है, और वो खुद कार चला रहे हैं, और मुझे नहीं पता था वो इतनी तेज कार चलाते हैं, और इतनी तेज वो कार चला रहे हैं, रहे। मैंने कहा मैं मर जाऊं बस आज, आज मैं मर जाऊं तो अमर हो जाऊंगा मैं, इतनी तेज कार चला रहे हैं, ऐसे जब टर्न ले तो मैं गिरूं और मर जाऊं। बट कैन आई ऐड टू दिस, कैन आई ऐड टू दिस, आई स्वे कपिल, आपको जैसे हम देखते हैं हमेशा, यू नो, एक आपका एक इमेज है, एक आपका पर्सनैलिटी है। जब मैं आपकी स्क्रीनिंग पे आपको फर्स्ट टाइम मिली स्वीगार्डो में, मतलब आपको देख के लगा ये तो हमारे जैसे, ये बड़ा नॉर्मल इंसान है। बात कर रही हैं आप? अच्छा, अब तो आप सारे पॉपुलर हो चुके हैं, कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा अभी काम करना शुरू किया है, लोग पहचान भी रहे हैं, और और अगर कितनी देर बाद पहचानते हैं फिर गलत नाम ले लेते हैं। अनूप सोनी है ना, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा होता था कि कई बार ऐसे बोलते थे, मुझे समझते थे रणदीप हुडा, तीन चार बार बोला कि रणदीप हुडा, रणदीप हुडा, और मैं उनको थोड़ा जानता भी हूँ, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया इस बात से। अच्छा, एक बारी बेंगलोर में मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा जूस पी रहा हूँ गॉगल लगा के, और आई एम फीलिंग हैंडसम, और दो बहुत सुंदर लड़कियां आई और उन्होंने आके बोला कैन वी क्लिक रणदीप। Oh my God. नहीं, मैंने कहा I am रणदीप, कैन वी क्लिक अ पिक्चर, मैंने कहा नो, वो नाराज होके चली गई। मैंने कहा सॉरी, और वो बट मैं इरिटेट हूं, वो बाहर जाके लोग ये रणदीप कितना रूड है। बदला ले लिया, ये वाकई ऐसा होता है, कई बार आधा पहचानते हैं, पौना पहचानते हैं, कई 63% पहचानते हैं, कुछ अजीब सा होता है। और कई बार फोटो खिंचवाने के बाद बायोडाटा भी पूछते हैं, पूछते हैं तो आपने किया क्या है। बेस्ट ये होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ कि क्या किया है आपने। मजा तब होता है जब एक्टर ने बहुत सारा काम कर लिया, उसको फिर भी लोग नहीं पहचान रहे, वो खुद एक्टिंग करता है ऐसे करके, मुझे पहचान लो। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो मेरे साथ खड़े हुए थे, बहुत ही नोन एक्टर हैं, तो वो दो लोग कल चलकर आ रहे थे, उन्होंने कहा ऑटोग्राफ लेने आ रहा है, फिर फोटो के दे देंगे कोई बात नहीं, तो वो आके उनको क्रॉस करके निकल। कई तो और बुरा करते हैं, वो ना तो आपसे बात करेंगे, ना आपसे पूछेंगे, वो खाली आपको घूरते रहेंगे। नहीं, और कई ऐसे होते घूम रहे, आप मुस्कुरा दो तो वापस मुस्कुरा भी नहीं रहे, तो आपको इडियट लगता है कि मैं क्यों मुस्कुराया इसको देख के। एक आदमी एयरपोर्ट बैठा कहता मेरा ना फोन की बैटरी चली गई, मैं फोन कर लूं आपके फोन से, मैं कहा हाँ कर लूं, मैं मैसेज टाइप कर रहा था, मैं कहा हाँ मैं मैसेज टाइप कर लूं, मैं आपको देता हूँ, तो कहता हाँ कर लो आप, कहता मेरा मैसेज ही पढ़ रहा है। सुमित, आपने जो एक सीरीज की थी परमानेंट रूममेट, जी, अगर आपको सच्ची में कोई एक बंदे के साथ पूरी जिंदगी एक ही कमरे में रहना हो, कौन होगा वो बंदा? इन्होंने मुझे बोला था ये क्वेश्चन पूछो। सिर्फ खुद के साथ, मुझे अकेले रहने में बहुत मजा आता है। मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। वेरी गुड, क्योंकि मैं वही बातें करता हूँ जो मुझे पसंद है। नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। यार ये भी आर्ट है, आपको अकेले रहना आ जाए ना, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। बिल्कुल। हाँ। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने सोशल मीडिया से ली हैं, और उससे नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। लो जी, पहली फोटो आई है मुकेश जी की, हैप्पी होली,
आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनके घर वाले भुट्टा नहीं दिलवा रहे थे तो जिद में जमीन पे बैठ गए। सिंगल आदमी ऐसे ही दूसरों की जोड़ी को देखते रहता है। तो और दिखाइए, आंचल जी ने फोटो डाला, इन द सिटी ऑफ लव एट द मिस्टिक ताजमहल, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग ताजमहल को प्यार की निशानी क्यों कहते हैं, बेडरूम तो एक भी नहीं है। आप अगर वहां गाइड लग जाएं तो मैं ताजमहल देखने के लिए 2000 का नोट दे दूं। ओह गॉड। फिर किसने रिप्लाई किया, तू तो दे देगा फिर ये कहां बदलवाने जाएंगी। और दिखाइए रॉकेट। सुमित ये क्या कर रहे हैं आप भाई? बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी। आप आंखों को थोड़ा सा बंद करके देखो, आपको शुतुरमुर्ग लगेगा। आई नीचे कमेंट्स पढ़ते। यही फोटो तुम ट्विटर पे डालते, एलन मस्क तुम्हें लॉन्च भी कर देता। अच्छा रॉकेट बन गया उस हिसाब से। लगता है इन्होंने शिल्पा शेट्टी की योगा की डीवीडी रिवर्स में देख ली। यही वाला पोज मैं गार्डन में कर रहा था, जब सीधा हुआ तो देखा 27 रुपए इकट्ठे हो गए थे। मुझे भी ऐसे ही फंसा के योगा गुरु चाय पीने चला गया था। और दिखाइए, रिधा ने फोटो डाला, स्प्रिंग इन माय स्टेप्स। वाओ, क्या मतलब? पढ़ते कमेंट्स, पढ़ते देखते नहीं, तो समझ में आए कि नहीं। दिखाइए नीचे कमेंट्स। त्रिधा जी आप किताब पढ़ रही हैं और मैं पिछले 1 घंटे से आपको पढ़ रहा हूँ। किसी ने रिप्लाई किया है, बेटा तुमने भी किताबें पढ़ी होती तो वहां वेटर नहीं लगे होते, ऑर्डर कर रहे होते। अरे यार आप तो काले चश्मे में अच्छी लग रही हैं, मैं एक बार पहना था, गांव वाले पूछने लगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाया। और दिखाइए, आपने ड्रिंक तो ऑर्डर कर ली, अब चीयर्स करने मैं आ जाऊं? उसको किसी ने रिप्लाई किया है, ये तेरी मम्मी सब्जी मंडी में इंतजार कर रही, पहले उनको लेने जा। मम्मी ने रिप्लाई किया। और दिखाइए। लो जी सयाल साहब ने फोटो डाला, मनाली विद द गैंग। नीचे दिखाइए कमेंट्स। मानना पड़ेगा अमित भाई काफी ईमानदार आदमी है, ये चाहते तो स्विट्जरलैंड भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने मनाली ही लिखा। सर मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, ऐसे मौसम में 3 मिनट से ज्यादा एक ही पोजीशन में ना बैठें, पूरा मामला जम जाता है। दिखाइए और कमेंट दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज थी, मैं उसे ले गया मनाली, वो मुझसे तो नहीं मानी, किसी और ने मनाली। उसको रिप्लाई आया आगे, भाई तू कुल्लू भर पानी में डूब मर। और दिखाइए, राजेश भाई ने फोटो डाला है, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। क्या चल रहा है भाई? कैसे भाई? ये नहीं बताया आपने। टेलिस्कोप। अच्छा टेलिस्कोप के जरिए आपने अपने घर पे रखा टेलिस्कोप? जी। तो ये आसमान में देखने के लिए रखा, अगल बगल बिल्डिंगों में, मतलब क्या? कभी कभी। आइए जी कॉमेंट्स देखते हैं। सर चांद छोड़ो, भांडुप तक छोड़ दोगे। एस्ट्रोनॉट लोग हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी चांद पे नहीं जा पाते, हम तो 4 पैक के बाद जुपिटर तक पहुंच जाते हैं। सर इससे इतना दूर तक दिख जाता है तो एक बार नाके पे देख के बताओ पुलिस खड़ी है क्या? आज हेलमेट भूल गया हूं। और दिखाइए, आ रहा हूं मैं। आइए जी कमेंट्स देखते हैं। ऐसे आओगे तो कब तक आओगे? भाई उठ जाओ, ट्रक वाला भी कह रहा है आ रहा हूं मैं। हाँ पीछे है। रात को जब ज्यादा हो जाए तो सुबह ऐसी ही जगह नींद खुलती है। और दिखाइए, लोरी सुमित ने फोटो डाला है, कपड़े सुखाने भेजा था, आई डोंट नो वन थिंग लेट टू अनदर। ये कोई एड कैंपेन का शूट था तो उसके लिए मेरे को ना स्टिल फोटोग्राफी में समझ नहीं आता कि क्या करूं। अच्छा क्योंकि वहाँ कुछ डायलॉग नहीं होते ना, तो बहुत देर तक वो कहते रहे कि
आप पोस्ट करो। हाँ, वो मेरे को बड़ा मुश्किल, मैं समझ ही नहीं आया। तो जब मैं थक के खड़ा हुआ तो तब उन्होंने कहा हाँ यही तो चाहिए था हमें। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फोटो में स्टाइल आपने शाहरुख वाली रखी है, चप्पल नवाजुद्दीन वाली पहनी है। सुमित भाई मेरे ताऊ की धोती वापस कर दो, वो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये पेड़ ना तो फल देता है ना ऑक्सीजन देता है, फिर ये क्या देता है? रिप्लाई, ये बंबू देता है। और दिखाइए। When the noon sun hits you, happy Sunday. Wow, क्या मतलब? Heat stroke. आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। अब मुझे पता चला मेरे दादा दिन भर धूप क्यों सेकते हैं। अगर पार्क में ऐसी लड़कियां रोज बैठने लग जाएं तो सैर करने वालों की 2 साल उम्र वैसे ही बढ़ जाए। धूप में बैठ के आपका विटामिन डी बढ़े ना बढ़े, आपकी फोटो देख के मेरी हार्ट बीट जरूर बढ़ जाती है। और दिखाइए। जस्ट अ टिपिकल मॉर्निंग ऑन सेट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। काफी गंभीर आपके भाव हैं चेहरे के इस फोटो में। बंदा तभी ऐसे टेंशन में होता है जब घर से बीवी का फोन आ जाए कि घर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमित भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी हर फिल्म और वेब सीरीज मैंने देखी है, मुझे आपकी एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद है, मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, आप एक बार मुझे शाहरुख खान से मिलवा दोगे? और दिखाइए। जब बंदे को बाथरूम जाना हो और पैजामे में पक्की गांठ लग जाए। और दिखाइए। लो जी तैलंग साहब ने फोटो डाला है, बच्चन साहब जिंदाबाद, हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब। बच्चन साहब कहाँ हैं? आप एक्टर इतने कमाल के हो ना, लग रहा है दुकान आप ही की है। ये सर पान की दुकान में बैठा हूँ इसलिए लग रहा है, अभी कोई ऑफिस होता तो नहीं लगता। कमेंट्स दिखाइए। प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग से पहले चूना लगाना सीखते हुए। सही है सर, एक्टिंग वैक्टिंग अपनी जगह है, एक साइड बिजनेस तो होना ही चाहिए। राजेश जी ये पीछे टोपी वाले का ध्यान रखना, इसकी नजर गल्ले पे है। ये असली मालिक है उसके। फिर आपका ध्यान रख रहा होगा। कभी नजर अपना ले जाओ। और दिखाइए। खत्म। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.